तो फ्रेंड देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि बहुत झटपट से बन जाती है और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, उपमा के साथ, इडली के साथ या फिर डोसा के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मूंगफली की चटनी, जो कि बहुत ही झटपट से बन जाती है बिना किसी तामझाम के और खाने में तो इतनी टेस्टी लगती है क्या कहना। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मूंगफली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई पे हम डाल देते हैं मूंगफली। तो मूंगफली को डाल करके अच्छे से हम भून लेंगे। मूंगफली अच्छे से भुनी रहेगी तो इसका छिलका उतारने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए मूंगफली हमने फाइनली बहुत ही अच्छे से भून लिया है। जब मूंगफली भून जाएगी तब इसको हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर देखिए थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब इसके हम छिकले अच्छे से उतार देंगे। याद रखिएगा मूंगफली का छिकला ठंडा हो जाता है तभी अच्छे से उतारता है, गर्म में नहीं। फिर देखिए हमने मिक्सर जार ले लिया, उसमें हमने मूंगफली के दाने डाल दिए हैं, एक अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, दो हरी मिर्च डाल दिया है और थोड़ा सा हम धनिया पत्ता का धुल करके काट करके छोटे टुकड़ों में डाल देंगे। और हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो नींबू की रस की जगह आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो अमचूर का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और इसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए चटनी फाइनली हमने कितनी बढ़िया से पीस लिया है। तो इसी तरह से हमें पीसना है चटनी को। अगर आपको चटनी थिक लग रही हो तो थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिएगा। फिर देखिए हम चटनी को चढ़िए तड़का दे देते हैं। आप चाहें तो चटनी के ऊपर से ऐसे तड़का लगा सकते हैं, लेकिन हम कढ़ाई में तड़का लगाएंगे। फिर देखिए तेल डाल दिया है कढ़ाई में हमने, तेल गर्म हो गया था, हमने यहाँ पे राई डाल दिया है। राई डालने के बाद दो हमने लाल मिर्च डाल दिया है सूखी वाली। फिर इसमें थोड़े से हम करी पत्ता डाल देते हैं, अगर आप चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हींग नहीं डाला। फिर देखिए जो हमने चटनी को पीस करके रखा हुआ था चटनी हम डाल देते हैं। तो देखिए चटनी को डाल करके इस तरह से हम इसको चला देंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, आपको जितनी कंसिस्टेंसी रखनी हो चटनी की आप उस हिसाब से पानी डालिएगा, क्योंकि पतली अच्छी लगती है, बहुत गाढ़ी चटनी नहीं अच्छी लगती है। तो देखिए हमने चटनी कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। तो देखिए चटनी कितनी परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हुई है। अगर फ्रेंड आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।